पिछली सरकार ने एक फैसला किया था कि गांव का आदमी कोई भी 5 स्टार 3 स्टार होटल में ठहरेगा उसको रियायत मिलेगी। चौधरी ने खबर पढ़ दी और सुन दी, तड़के चौधरी तैयार कर ली, ठहर ट्रंकर दिल्ली चले गए, 5 स्टार होटल में बैठ गए। कला कह रहा कौन सा इसका मालिक, मैनेजर आया, कला जी फरमाइए, कला तो मालिक से, कला ने मैं मैनेजर हूँ, मालिक तो घर पर है, आप सेवा बताओ। कला को कमरा किराए पे मिल जाएगा, कला का मिलेगा, वो वेटर कोई कमरा खाली है, हाँ साहब 13 नंबर खाली है, चौ साहब मिलेगा, कला भाई एक रात का कमरे का किराया ठहरने का क्या है, कला 200 रुपये एक रात के, कला फिर दरवाजे ट्रंक मारा, कला वेटर चौधरी का ट्रंक धर दो 13 नंबर में, रात में चौधरी चौधरी ठहर गए, तड़के आने के फिर ट्रंक धर दिया, मैनेजर दो रखा लिया भाई बिल दे दे। अब उसने मैनेजर ने 400 रुपया बिल काट के दे दिया, कला का भाई साहब 400 रुपये किस बात के, कला का जी 200 रुपये तो कमरे का किराया, अब ठीक, और 200 रुपये खाने के, कला खाना तो हमने खाया ही नहीं, कला खाओ या ना खाओ चौर साहब हमारा खाना तैयार था बिल में आएगा, आप अच्छा ले कागज दिए, 800 रुपया बिल काट के चौधरी ने उल्टा सरका दिया, ले 400 काट के 400 उल्टे लिया, कला गया 800 रुपये किस बात के, कला मेरी चौधरी छेड़न के, कला का जी हमने तो छेड़ी नहीं, कला छेड़ो या ना छेड़ो या तो तैयार थी बिल तो आएगा, कला फटाफट 400 रुपये दे दे, अरे मेरा यार के शर्मा एस पी लाए तेरा बंदर बनवाए दूंगा थोड़ी बार में, 400 रुपये लेकर उल्टा घर आया, कला का बड़ा आया होटल का बिल मांगने वाला। लीजिए रणबीर सिंह बड़वासनिया, दो बात दुरागनिया भाइयों के सामने किस समय की है कि बताते हैं, ये सुनने में आया कि जिस वक्त उस पंगला रानी को सैयद के साथ देखा विक्रम ने, और वो पंगला रानी ये सोचती है कि ये अपने भाई से शिकायत करेगा, तो नगर सेठ से कहके अपने देवर विक्रम के खिलाफ गवाही दिलाती है राजा भरतरी के सामने कि ये जो विक्रम है इसके मेरी पुत्र वधु के साथ नाजायज संबंध है, झूठी गवाही दी। तो भरतरी ये कहता भाई विक्रम तने मेरी इज्जत का बट्टा लगा दिया, मैं तेरे को कत्ल करूंगा छोड़ूंगा नहीं, अब जल्लादों की सुपरत कर देते हैं और ये कहते हैं कि भाई जाओ इसको कत्ल करके आओ। अब पहले तो भाभी ने धमका रखा था और फिर भाई ने भी जब सुनाई नहीं करी तो विक्रम की आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, नुक्कड़ लग गया रे भरतरी, आज भाई मेरे माँ बाप मरे और याद आए, नहीं तो मैं आज तक आपको अपना बाप समझता था और इस पिंगला रानी को अपनी माँ समझा करता, लेकिन आज तने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, अरे इसकी साची मानकर तू अब मेरे को कत्ल करवाने की तैयारी पे है, और रो पड़ता है अपने भाई, भरतरी की नार की कोली भर लेता है और कोली भर के और रो के एक बात के द्वारा विक्रम किस तरह से क्या कहता है, और मेरे भाइयों से मेरे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि कई बार कंपटीशनों में जाते हैं आपको हम भका कर भी चले जाते हैं, और एक आधी बार जो इसी महफिल मिलती है और गाने का मौका मिलता है तो प्योर दो रागनियों के अंदर हरियाणा होगा, और देखिए किस तरह से कैसे क्या कहता है विक्रम अपने भाई से। न बोलिया रे भाई रे Yeah.
महारण आई मन सोचा वापिस आ जाते हैं और उधर से कौन के समय
के खोट उजगर हुए, कैसे के एक महात्मा एक अमर फल लिया के राजा भरतरी को देते हैं और राजा भरतरी उस अमर फल को ले जाके रानी पिंगला को देते हैं और रानी पिंगला उसी अमर फल को एक उस सैयस को दे देती है और सैयस ले जाकर उस अमर फल को एक नाचने गाने वाली को दे देता है। अब वो नाचने गाने वाली ये सोचती है कि पिछले जन्म का किया हुआ फल तो तू अब भोगन लागरी से और ये अमर फल खाएगी तो अमर हो जाएगी, पता नहीं कितने पाप और करने पड़ेंगे, क्यों नहीं समर फल को राजा भरतरी को दे दिया जाए, बड़े प्रतापी दयालु राजा है, इस प्रजा का पालन पोषण करते रहेंगे वो अमर हो जाएंगे। अरे नाम के लालच में आपको नाचने वाली ले जा कुशी अमर फल को राजा भरतरी को दे देती है और राजा भरतरी देखते हैं अमर फल को तो दिमाग चकरा जाता है, वो ये अमर फल तो तुमने रानी पिंगला को दिया था, ये इसके पास कहां से आया। अब पूछने के बाद चैन बन जाती है, वो नाचने वाली कहती है सैयस ने दिया और सैयस कहता है कि रानी पिंगला ने ये अमर फल मेरे को दिया था। अब जब रानी पिंगला को दरबार के अंदर बुलाया गया और राजा ये कहते रहे महारानी मैंने आपको एक अमर फल दिया था, वो खा लिया या कुछ बचा हुआ। महाराज जब आप दे के गए ना उस अमर फल में सोदा नाकू खा गई उसका नहीं बक्कल भी छोड़ रहा, अरे कुछ बच रहा हो तो मन्ने भी दे दे मैं भी अमर हो जाऊंगा कि नहीं महाराज मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो राजा भरतरी उस अमर फल को निकाल के और रानी पिंगला के सामने कर देते हैं और ये कहते हैं कि ले महारानी एक और खा ले। देखते उस अमर फल को रानी पिंगला के शरीर में पसीना आ जाता है, चक्कर आ जाता है, चक्कर खा के जमीन के अंदर गिर जाती है और राजा ये कहते रहे ओ बेवफा औरत तने मेरे साथ बड़ा भारी धोखा किया, अरे मैंने तेरे को सत्ता मान के एक अपने लक्ष्मण जैसे भाई को कत्ल करवा दिया और तू झूठी लकड़ी ने धोखेबाज तने मेरे साथ ये क्या किया, अरे जो बड़े बड़े तान कोने बाजे कुछ तो इस फूटे मुंह से बोल। और ये बताते कि रानी पिंगला नीचे पड़ी हुई आंखों में आंसू और रो के राजा भरतरी के सामने एक बात के द्वारा क्या कहती है, क्या बता रहे Oh,
अब हमें हो हे वो दादा ये पिछले जन्म के दाहिने अरे कुछ करनी कुछ करम गति ओए कुछ पूरब ये बात मेरे ओ तेरे काम की ये पूरा रे भाग्यशाली एक कलाकार जिसको गायकी में इतना पसीना आ गया,
सुन वाला के भी हाथ दगा पसीना जनता में भी आ लिया। ये मेहनत है, ये तपस्वी है कलाकार। बड़ी मेहरबानी रणबीर सिंह जी बड़वासनिया, फिर भी आएगा यू। मैं तो कहूँ परमात्मा करे ऐसा सुतरा छोरा अगले जन्म में ये लुगाई बने और सब तक पहले फेरे लेने में तैयार होऊंगा इसी गलिया। बड़ी रक्षाबंधन का त्योहार आया, पड़ोस में हमारी दादी थी, इतनी पहुंची लेकर आई तड़के तड़के आने के मेरे बहन दी, मेरे बालकों का बहन दी, वह पहुंची बहन के मेरी माँ का लागी, ले दादी गेहूं का बोइया भर के ले आई, अगले अपनी दक्षिणा दादी ने जोड़ी भर ली और चल पड़ी। फिर मेरी माँ की बात याद आई, बोले दादी इनका बाप तो रह गया, उसके भी तो पहुंची बंधुआ होती है, तो खेत में जा रहा, मैंने मौका मिल गया। मैंने कहा दादी एक पहुंची तो मेरी माँ ने पकड़ा गया, सांझ जी मेरे बाबू खेत में आओगा मेरी माँ बहन देगी तेरे आने की जरूरत नहीं। मेरी माँ मेरे पास कुत्ता लेके भागी, अगरे गार्डन जोगे शर्म ने आंधी डूब के मर जा, मैं तेरे बाप के पहुंची बन दूंगी। माँ हाथ जोड़ के बोलिया, अरे माँ जो से कर्म थे मैं तो वो आ लिए, इब तो पहुंची बंधन का डास रह रहा। जब वो चीर उसको दे देता है, कहने लगा भाई काले ये तेरे मरघट का कर है, कहने लगा मैं समझ नहीं पाया, एक काम कर भाई काले छतरी सत ऊपर धुज जैसे मेरा घट गया तोर ने कम सूझ जैसे, और जय काले सतबुज जैसे तो मेरा रोहतास गुजर गया, ले मरघट का मसूल कितना टूटा भर गया। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हो, कहने लगा महाराज इस चीर को वापिस ले जाइए, और मैंने अपना कराया हुआ मान लिया, मेरे को माफ कर दे, मेरे को पता नहीं था कि आप सत्यवादी राजा हरिचंद है। तो काला उसे प्रार्थना करता है कि महाराज मेरी बात सुनिए, क्या बताने लगे बोला, बड़ा ध्यान सा करके सुनियो, कदे एक ओड का काट दो ना, क्या बता देसी होगा प्योर। Yeah।
सोची बेदारी की रे तन के सोच देखे तन की डर प्यारी के कदे गर्मी कदे सर्दी जिसे दुश्मन गेला मत करिए जिस ब्याही गेला अरे गेला जाते Oh,
सब घर का किस्सा बता रहे थे। कई बार इनके साथ बड़ी दिक्कत आती है, हमारी जो भी जी हैं इनकी घराली है, असली बताई तो मलिक साहब छो माओगे, आगे बात घर घर में बताने की थी, आड़े क्या बताई इतने, तो वो बतलाने लग गए आपस में। एक लुगाई पड़ोसन बोली, ये बे मारा तो घर वाला बड़ा भुलक्कड़ है, सब्जी मंगाई थी और देखिए भूल है। अपनी अपनी भूलन की बात बता रहे अपने अपने घर वाले की, अरे बैठी बैठी सोचेंगी मैडम जी न्यू बोली है बेबे के पूछोगे माला तो गणा है भुलक्कड़ है, न्यू बोली की बात है, न्यू बोली कल मैं पानी पजा रही थी और मलिक साहब बाजार में फेटा और मैंने देख के न्यू बोलिया है बेबे की देख रखी है। शुक्रिया शुक्रिया, बड़े भाई हैं हमारे तो, कि बस अली बात तो मैं जानू ना घर की। मैं छोटा सा और ये हो रहेगा बरू दिक्कत ने एक इबी भी आदत मनमानी आ रहे नहीं पद सकून में लठ दर के आ रहे हूँ किक्कर का लठ रख दे सुकून में जाने जब भी किक्कर का लठ माशा में जाने जब तो रखना ही था। अरे एक बीमारी और थी गांव में किससे घबरात आ जाती बस का लटक लेंदर बड़कन को लटक ना जाइयो या बरात मारा आई है। जिस तरह से ये कलाकार है वो बहुरानी भी कलाकार है, उसने एक ड्रामे में बुआ का रोल कर दिया और बड़ा अच्छा रोल करा। सवेरे जब वो कॉलेज में आई तो सारे कॉलेज वाले आंगली करे गला वह आएगी बुआ वह आएगी बुआ। जब वो क्लास में बढ़ी तब वो सारी क्लास आगे लगे ये आएगी बुआ। बड़ी दुखी हुआ गुड्डू की घर वाली प्रिंसिपल साहब के पास गई, देखो सर मैंने बुआ का रोल क्या कर दिया, ड्रामे में आफत मोह ले ली, मेरी क्लास वाले मुझे जीने देते कला, चलो बेटे मेरे साथ गए क्लास, जो जो इस लड़की को बुआ कहते हैं वो बेंच पर खड़े हो जाओ। सारी क्लास बेंच पर खड़ी होगी, मैं बैठा रह गया। लगे दरियाव सिंह तो इसको बुआ नहीं कहता, मगर ना जी ना यहाँ जितने खड़े नहीं सारे का फूफा लागू मैं यह के देसी रंग काट तो आवेगी। मैं दो गाना पहले आपके सामने रणबीर सिंह बड़वासनिया और साथ में उपाशी नैयर का कराऊंगा। वाह वाह बड़ी अच्छी बात है, मैं थारी खुराक जानू, थोड़ा जगह छोड़ दे भाई दंगल होगा डे, अरे नायक सी लड़ेंगे आपस में, ये करिए पक्षे क्यों दो गाना है, नारे नारे हो जाओ भाई। तो भाई एक रागनी भाइयों के सामने किस समय के जिस वक्त वो गोपीचंद की मां अपने लड़के गोपीचंद को जोग दिवा देती है और जोग दिवाने के बाद तो गोपीचंद के जो गुरु थे गुरु जलंधर नाथ ये कहते हैं कि भाई गोपीचंद तेरा जो जोग है वो सफल जब होगा, जब ये सफल माना जाएगा जब अपनी ब्याही के पास से अपनी पत्नी के पास से तू मां कह के भिक्षा लावेगा तो जब जाके तेरा ये जोग सफल होगा। अब गुरु जी की आज्ञा पाकर वो गोपीचंद भगवा बाणे में और जाके अपनी रानी पाटन दे के महल के नीचे अलग जगाता है। जब जाके ये कह के माई घालिए भिक्षा तो उधर से कौन के जब रानी पाटन दे को ये पता चला ये आवाज कानों में पड़ी कि माई घालिए भिक्षा तो ये सोचती है कि हो न हो ये तेरे पति की आवाज है। और जब ऊपर से बारजे से झांक के देखा तो नीचे गोपीचंद जो थे वो भगमा बाणे में खड़े हुए, तो देख के अपने पति को भगमा बाणे में और अलग जगाई जब तो किस तरह से रानी पाटन देखे और गोपीचंद के आपस में सवाल जवाब होते हैं, बातें होती है लाइन बाय लाइन, कैसे के औरत जो थी वो घर गृहस्थी के बंधन जो थे उनमें बांधना चाहती है। कहते हैं कि आप ये क्या हालत बना रखी है, आप ऊपर आइए। लेकिन जो साधु बना हुआ था गोपीचंद वो किस तरह से कैसे भीख मांगता और कैसे क्या बताए एक बात के द्वारा ना आ
विरक्त हो चुके हैं। और जब वही हाथ रूप अपने पति का देखा, राख जोड़ के राख जोड़ के ये दीना सब उसे का नाम सुमारे Oh,
और भाइयों के सामने है आपकी फरमाइश पे और दोनों के, और उसके बाद फिर आप जो रंग काट की बात कर रहे हैं वो रंग काट भी होगा, सारे काम होंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक में स्वाद नहीं लिया करते, आहिस्ता आहिस्ता जो बात बढ़ती वो अच्छी होती है। आहिस्ता तो ये रागनी भाइयों के सामने किस समय के जिस वक्त वो फूल सिंह शेर का शिकार खेल के आता है, वो रात का अपनी भाभी पर पीने के लिए शीरा पानी मांग लेता है। कहता है कि भाभी मैं शेर का शिकार खेलने गया था, खेल के आयो, मेरे को बड़ी तेज लगी हुई है, मेरे को पानी पिलाओ। नौकर लगी बर्बाद सुन ले, जब शेर का शिकार खेल कहा तो इस बात का मेरे परेशान नहीं और रोग जना जमान की जरूरत नहीं है, वो मटका भरा धरा पी सकता है और झगड़ी को सामंद के चक्कर में होता नौ टंकी ने पहला वह तेरे नखरे हो सके मेरे बस की बात नहीं। और धमका दिया फूल सिंह को, तो अपने भाई भूप सिंह के पास जाता है, आंखों में पानी था, नुबले रख के बाद फूल सिंह आज नो को कर बोला भाई मेरी भाभी ने ताना मार दिया और पानी पिया तो नाटगी। बोला चलिए अगर वो ठाली पड़ी पड़ी पानी भी नहीं पिया सकती और कि उसका सह तीर चढ़ावेंगे, चलो सर को काटूंगा। हम क्रोध में भर के महल में आते हैं दोनों भाई भूप सिंह और फूल सिंह, और आने के बाद भूप सिंह के अपनी औरत के साथ किस तरह से फूल सिंह के बारे में बातें